Hello everyone. So in the last class, we did the general expression for probability of distributing n particles in k compartments of a system or of a box in which all these k compartments, they are of different size. Now what we'll do today? Today we'll find the equilibrium condition between two systems which are in thermal contact. That means the beta parameter. Hum kya karenge? We'll consider two systems. We'll keep them in thermal contact. Thermal contact means they are capable of exchanging heat among themselves. So we'll have two systems which are in thermal contact, and then we'll find the equilibrium condition between these two systems when they are placed in thermal contact. That means we'll study what happens at equilibrium when we have two systems which are in thermal contact. So we are considering two systems which are capable of exchanging heat among themselves. That means they are said to be in thermal contact. Thermal contact ka matlab kya hai? Ki they are capable of exchanging heat among themselves. Aapas mein jo hai wo heat exchange kar sakte hain. ठीक है. और इक्विलिब्रियम में हमें स्टडी करना है. इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जब हमारे दो सिस्टम्स थर्मल कॉन्टैक्ट में होते हैं, देन एट इक्विलिब्रियम दोनों सिस्टम्स जो है उनका टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाता है. सो लेट्स से वी हैव टू सिस्टम्स विच आर डिनोटेड बाय कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एंड दे आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट. ठीक है, जो यहाँ पे बना रखा है. लेट्स से हमारे पास दो सिस्टम्स है, कैपिटल ए और कैपिटल बी. ठीक है, और ये हमने थर्मल कॉन्टैक्ट में प्लेस किए हैं. एंड लेट्स से V इज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ए एंड V प्राइम इज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम बी. एंड लेट्स से द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज E विद अ सबस्क्रिप्ट T एंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ए इज E, एनर्जी ऑफ द सिस्टम बी इज E प्राइम. So that we have total energy ET is equal to E plus E prime. ठीक है, ये हमारा system है. ठीक है, so we have two systems, capital A and capital B in thermal contact. Let these systems have specified volumes V and V prime respectively, and the total energy is ET. Further, suppose that E and E prime be their respective energies in equilibrium, then obviously total energy kya hoga? The sum of individual energies. So ET is equal to E plus E prime. So this gives E prime is equal to ET minus E, where ET is the total energy and capital E is the energy of the system A in equilibrium state. Hum equilibrium स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम में कंडीशन निकालनी है. ठीक है, तो लेट्स से इन इक्विलिब्रियम जो हमारा सिस्टम ए है उसमें एनर्जी कैपिटल ई है, सिस्टम बी की जो हमारी एनर्जी है वो ई प्राइम है, सच दैट टोटल एनर्जी हमारी ई टी है. सो ई प्राइम विल बी ई टी माइनस ई. आई होप ये इक्वेशन सबको क्लियर है. नाउ probability of systems A and B having energies E and E prime respectively will be maximum when the systems A and B are in equilibrium. अब ये क्या कहता है? अगर हमारा ये दोनों systems equilibrium में हैं, ये हम already पहले पढ़ चुके थे. Most probable state हमारी कौन सी होती है? The most probable state is the equilibrium state. और equilibrium में जो probability होती है हमारी वो maximum होती है. ठीक है, तो वहीं से ही ये लाइन निकल कर आई है कि जो हमारे दोनों सिस्टम्स है कैपिटल ए और कैपिटल बी, लेट्स से सिस्टम ए जो है उसमें प्रोबेबिलिटी जो है एनर्जी ई होने की वो मैक्सिमम होगी अगर सिस्टम ए जो है वो इक्विलिब्रियम में है. सिमिलरली सिस्टम बी को अगर हम कंसीडर करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी होगी सिस्टम बी हैविंग एनर्जी ई प्राइम विल बी मैक्सिमम इफ दैट सिस्टम बी इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो यहाँ से ये लाइन निकली है, अगर हम सिस्टम जो को इक्विलिब्रियम में ले रहे हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो मैक्सिमम होंगी. एंड आल्सो व्हाट वी नो, ये हम पहले कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के. अगर मैं सबसे सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं,
जस्ट यहाँ पे इसको समझाने के लिए अगर हम रिलेशन यूज कर रहे हैं एनसीआर इंटू वन अपॉइंट टू रेज टू पावर एन, तो वन अपॉइंट टू तो हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी है विच विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट. तो प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी मैक्रो स्टेट की वो किसके चेंज होती है, वो चेंज होती है विद चेंज इन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी विद चेंज इन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट. ठीक है, सो वी कैन से इन जनरल प्रोबेबिलिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी. तो वहां से जो है हमारे पास ये रिलेशन निकल कर आया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स अ पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट. यहाँ पे इन भी आएगा. प्रोबेबिलिटी क्या होती है सिस्टम्स की, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट. दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी. हमारी जो पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट है, पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट है, उसके अंदर कितनी माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं उस पर प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है. दैट मींस प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी सिस्टम ए की टू पोजेसिंग एनर्जी ई, वो कितना होगा हमारा पीई, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डब्ल्यू ई के, वेयर डब्ल्यू ई जो है दिस इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन सिस्टम ए इन द एनर्जी रेंज ई एंड ई प्लस डेल्टा ई नॉट, वेयर डेल्टा ई नॉट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. तो ये हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है सिस्टम ए की इन अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट. ठीक है, तो हमारा जो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल सी इनटू डब्ल्यू ई, वेयर सी इज अ कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ठीक है, जैसे 1 अपॉन 2 रेज टू पावर एन होता है, वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. तो हमारी प्रोबेबिलिटी सिस्टम ए की हमने निकाल ली पोजेसिंग एनर्जी ई. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम बी पोजेसिंग एनर्जी ई प्राइम क्या होगी, PE prime is equal to C prime into W prime E prime, where W prime E prime representing the number of microstates in system A in a particular energy state. तो हमारे पास ये दोनों probabilities आ गई, probability of system A and probability of system B. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, the composite इवेंट प्रोबेबिलिटी. वो हमारी क्या होती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जिनको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं. एंड वी ऑल्सो नो दैट ई प्राइम इज इक्वल टू ई टी माइनस ई. सो द कंपोजिट प्रोबेबिलिटी दिस दैट द सिस्टम्स ए एंड बी विल पोजेस एनर्जीज ई एंड ई प्राइम रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम विल बी इक्वल टू द product of the two separate probabilities. That means probability of a composite event is equal to the product of the probabilities of individual and independent events. So isko we can write in this form which is given by equation 2.22. So yahan par hame probability mil gayi of composite event that the systems A and B will possess the energy E and E prime respectively at the same time. Now, अगर ये जो energies हैं E and E prime, ये energies हैं तो system acquire कर रहे हैं at equilibrium. So at equilibrium means this probability should be maximum. According to the basic principle of statistical mechanics, for the two systems to be in equilibrium, composite probability should be maximum. Probability जो है वो maximum होती है if the systems they are in equilibrium. So to find the maxima condition, हम क्या करेंगे? First we'll take the logarithm of both sides of this equation. इसका हम logarithm लेंगे. ठीक है, तो इसका log क्या होगा? Simply log of p that is equal to log a into b. क्या होता है? log a plus log b, वही formula लगाएंगे. तो यहाँ पे चार चीजें multiply हो रही हैं, तो चार terms आएंगे addition में. log c plus log c prime plus log w e plus log w prime e prime. तो अभी तक हमने क्या किया, मैं एक बार summarize कर देती हूँ. We are considering two systems, capital A and capital B. These two systems, they are in thermal contact. That means they are capable of exchanging heat among themselves. So at equilibrium, जो हमारे दोनों systems हैं, let's say system A के पास energy है capital E और system B जो है उसकी energy है E prime.
total energy hai ET, so E prime is equal to ET minus E. And we know that probability is always directly proportional to the thermodynamic probability, which represents the number of microstates in a particular macrostate. Here that macrostate is an energy state. So number of microstates in a particular energy state. So probability kya hogi system A ki possessing energy E, PE, that will be directly proportional to WE. If I remove the proportionality sign, then it will be equal to C into WE, where C is the constant. Similarly, probability of system B having energy E prime will be this. And the probability of a composite event, probability of a, that means we are saying that probability, composite probability that the systems A and B will possess energies E and E prime respectively at the same time. That will be equal to the product of their individual probabilities. And we know that if E and E prime, these are the energies of the systems A and B respectively at equilibrium. And we know that at equilibrium, probability is maximum. Probability, jo hai, it should be maximum when we have the system in equilibrium state. So to find the maximum probability, first we'll take the log. So we'll end up with this equation. So for maxima or minima, first derivative always go to zero. For maxima and minima, first derivative always goes to zero. So we'll differentiate this equation and put it equal to zero. ठीक है, इसको हम differentiate करेंगे इस equation को on both sides with respect to energy E. ठीक है, so for maxima or minima the first derivative will go to zero. तो अब इसका derivation, जब इसका differentiation जब हम करेंगे तो इसको we can write del log P divided by del E, that is equal to C, or C prime constant है तो इनके हमारे differentiations क्या होंगे, zero. Next log W E का differentiation क्या होगा, del log W divided by del E प्लस डेल लॉग डब्ल्यू प्राइम ई प्राइम डिवाइडेड बाय डेल ई. यहाँ पर हम डी यूज नहीं कर रहे टोटल डेरिवेटिव, यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं डेल, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है पी वो दो का फंक्शन है, ई का भी फंक्शन है, ई प्राइम का भी फंक्शन है, और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ई ओनली. तो यहाँ पर वील नॉट यूज डी, यहाँ पे वील यूज डेल. इंस्टेड ऑफ टोटल डेरिवेटिव वी आर यूजिंग द पार्शियल डेरिवेटिव साइन. आई होप ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है. नाउ दिस वी हैव टू इक्वेट टू बी इक्वल टू जीरो इफ द प्रोबेबिलिटी इज टू बी मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम. नाउ इसको तो वी कैन राइट एज इट इज, और इस इक्वेशन को आई कैन री राइट एज, इस टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डेल अपॉन डेल ई प्राइम ऑफ लॉग इंटू डेल ई प्राइम अपॉन डेल ई, और दिस इज इक्वल टू जीरो. ई प्राइम हमारा कितना है, E prime हमारा है ET minus E, where ET is the total energy. ET हमारी क्या है? Total specified energy, which is a constant. Total energy constant रहेगी ना, तो हम del E prime over del E जो है वो निकाल सकते हैं using this equation. इस equation से del E prime over del E क्या आएगा, that will be equal to minus one, क्योंकि ET constant है, इसके साथ differentiation zero होगा. So from this equation we can say that del E prime over del E is equal to minus one. Substitute this here. So what we will get, del log W E divided by del E minus del log W prime E prime divided by del E prime is equal to zero. Or we can say that del over del E of log W E is equal to del over del E prime of log W prime E prime. Now this is the equilibrium condition when we have two systems in thermal contact, and this is important. Exam mein iska derivation aa jata hai. So this equation 2.24, it gives the required condition of equilibrium between two systems which are in thermal contact. So from this what we'll conclude, that according to statistical mechanics, अगर हमारे पास दो systems हैं जो thermal contact में हैं, then equilibrium में ये जो function है del over del E of log W, ये equal होगा दोनों ही systems का.
पहले सिस्टम की एनर्जी अगर ई है तो ये हो गया डेल ओवर डेली ऑफ लॉग डब्ल्यू, दूसरे सिस्टम की अगर एनर्जी ई प्राइम है तो ये हो गया डेल ओवर डेली प्राइम ऑफ लॉग डब्ल्यू, वेयर नाउ डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ ई प्राइम। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन जो है इक्वल होगा अगर सिस्टम्स हमारे थर्मल कॉन्टैक्ट में है, और एंड दिस इज द कंडीशन एट इक्विलिब्रियम ओनली। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होगा ये डेल ओवर डेली ऑफ लॉग ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी विल बी equal for two systems kept in thermal contact and I am saying that this condition del over deli of log w, this function del over deli of log w, it will be equal for two systems if they are kept in thermal contact and this function will remain equal, will be equal if and only if these two systems they will be in equilibrium at when they are in thermal contact. ठीक है, next हम क्या करेंगे, beta parameter and its significance. इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा function है del over deli of log w, this is known as beta parameter which is represented by beta e. beta किसका function है, energy का function है. ठीक है, जब हम इसको फाइनल वैल्यू जब हम इसकी निकालेंगे तो हमारे पास जो बीटा आएगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ एनर्जी, सो दिस इज आल्सो नोन एज बीटा पैरामीटर। तो ये बीटा पैरामीटर अब हम निकालेंगे इसकी कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, बीटा आई डोंट नो तुमने ऑलरेडी पढ़ा है नहीं पढ़ा, दिस बीटा पैरामीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1/kb × t, वेयर kb इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर। तो ये अब हम निकालेंगे। ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे, इसी कंडीशन को हम यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन वी हैव टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये जो फंक्शन है हमारा डेल ई डेल ओवर डेल ई ऑफ लॉग डब्ल्यू, दिस इज बेसिकली द इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन वी हैव टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट। सो बीटा ई हमारा कितना है, डेल ओवर डेल ई ऑफ लॉग डब्ल्यू ई, इसको हम लिख सकते हैं log of w, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/w × del w/del e हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया बीटा e, सिमिलरली बीटा प्राइम e प्राइम, द नेक्स्ट वन दिस वन, ये हमारा कितना है डेल ओवर डेल ई प्राइम, इसको e प्राइम करो, यहाँ पे मिस्टेक है, डेल ओवर डेल ई प्राइम log w प्राइम e प्राइम, log w prime का differentiation क्या होगा, 1/w, then we have into del w prime over del e prime, और ये हम already देख चुके हैं कि this thing is always equal to this thing if we have two systems in thermal contact, so this is basically the equilibrium condition, that means del over del e of log w is equal to del over del e prime of log w prime, agar ye equal hai that means beta e is equal to beta prime e prime. theek hai, ek hame ye cheez pata chali, dusri cheez hame kya pata chali, ye jo hamara beta parameter hai iske dimensions kiske honge, iske dimensions honge of reciprocal of energy, 1/e के dimensions होंगे। कैसे, देखो ये तो thermodynamic probability है, ये भी thermodynamic probability है, ये same है numerator और denominator में, denominator में हमारे पास क्या बचा, सिर्फ energy, इसका मतलब जो beta parameter है इसके dimensions किसके होंगे, 1/energy के, similarly ये जो beta prime है इसके dimensions भी होंगे energy के, moreover we can say that beta e is equal to beta prime e प्राइम, यहाँ से हमें ये चीज पता चली, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। सबसे पहले हमने क्या किया था, दो सिस्टम्स लिए थर्मल कॉन्टैक्ट में, फिर हमने क्या किया, लेट्स से ई एनर्जी है सिस्टम ए की एट इक्विलिब्रियम, ई प्राइम एनर्जी है सिस्टम बी की एट इक्विलिब्रियम, फिर हमने देखा प्रोबेबिलिटी जो है इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, फिर हमने नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकाली थी कॉम्पोजिट इवेंट की, फिर हमने कंडीशन अप्लाई करी थी कि इक्विलिब्रियम में जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा मैक्सिमम होती है, एंड फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज गोज टू जीरो, फिर वहां से हमारे पास ये कंडीशन निकल कर आई थी, सो दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन टू सिस्टम्स आर कैप्ट इन थर्मल कॉन्टैक्ट। फिर हमने देखा कि ये जो हमारा फंक्शन है डेल ओवर डेल ई ऑफ लॉग डब्ल्यू, दिस इज इन जनरल रिप्रेजेंटेड बाय बीटा ई व्हिच इज कॉल्ड द बीटा पैरामीटर,
और यहाँ से हमने देखा जो हमारा बीटा पैरामीटर है इसके जो डायमेंशंस हैं वो 1/एनर्जी के हैं एंड इट इज बीटा ई इज इक्वल टू बीटा प्राइम ई प्राइम एट थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम जब दो सिस्टम्स थर्मल कॉन्टैक्ट में हैं तो एट इक्विलिब्रियम हम उस सिस्टम को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. और थर्मल इक्विलिब्रियम में जो दोनों सिस्टम्स हैं दे विल बी एट सेम टेम्परेचर. दैट मीन्स अगर सिस्टम ए का टेम्परेचर कैपिटल टी है, सिस्टम बी का टेम्परेचर टी प्राइम है, देन वी कैन से दैट एट थर्मल इक्विलिब्रियम देयर टेम्परेचर्स आर सेम. दैट मीन्स टी इज इक्वल टू टी प्राइम. अब देखो यहाँ से हम कहते हैं बीटा जो है बीटा प्राइम के इक्वल है. नेक्स्ट वी से दैट टी जो है हमारा टी प्राइम के इक्वल है. तो और बीटा जो है इसके डायमेंशंस 1/एनर्जी के हैं. तो बीटा को हम ऐसे किस तरीके से लिखें कि हमारे डायमेंशंस 1/एनर्जी के आए और हमें ये पता है कि ये बीटा जो है बीटा प्राइम के इक्वल ही रहना चाहिए. इस तरीके से हमें बीटा की कोई वैल्यू निकालनी है और हमें ये चीज पता है टेम्परेचर्स भी इक्वल है. मतलब बीटा को हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हैं. तो यहाँ पर क्या बताया, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर मीन्स इक्वालिटी ऑफ बीटा पैरामीटर्स. दैट मीन्स वी कैन राइट बीटा इन सच अ वे दैट इट हैज डायमेंशंस रेसिप्रोकल ऑफ एनर्जी एंड वी नो दैट टेम्परेचर्स आर सेम एट थर्मल इक्विलिब्रियम. So we have to write beta in terms of 1/energy. So we can write 1/beta as kT, or beta is equal to 1/kT, where k is a constant. आगे जाके हम ये चीज देखेंगे. This k is nothing but a Boltzmann constant, which is defined by R/N, where R is the gas constant for 1 mole of gas and N is the Avogadro's number. और ये जो हमारा Boltzmann constant है के इसके डायमेंशंस किसके होते हैं, इसके डायमेंशंस होते हैं जूल्स पर केल्विन. ठीक है, अब देखो 1/बीटा अगर केटी है, के हमारा कांस्टेंट है और टी हमारा इससे मल्टीप्लाइड है, तो 1/बीटा प्राइम क्या हो गया, के इनटू टी प्राइम. के हमारा कांस्टेंट है, टी प्राइम हमें पता है टी के इक्वल है. इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से वी कैन से दैट अगर हम बीटा को यूज करें एज 1/kT, देन एट थर्मल इक्विलिब्रियम बीटा विल बी इक्वल टू बीटा प्राइम बिकॉज टी इज इक्वल टू टी प्राइम एंड के इज अ कांस्टेंट. ठीक है, सो हम यहाँ पर बीटा को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एनर्जी 1/kT. K into T क्या है, K हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसके डायमेंशन होते हैं जूल्स पर केल्विन के, T के डायमेंशन केल्विन के हैं, केल्विन केल्विन कैंसिल आउट हुआ, तो बीटा के डायमेंशन किसके हो गए 1/जूल्स. दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ एनर्जी. एंड ऑल्सो अगर हम बीटा को इस डेफिनेशन से कंसीडर करते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम में बीटा जो है बीटा प्राइम के इक्वल रहेगा क्योंकि एट थर्मल इक्विलिब्रियम टी इज इक्वल टू टी प्राइम. ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखी बीटा इज इक्वल टू 1/kT, ये तो यहाँ पर हमने एक तरीके से सोचकर ऐसे लिखा कि हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये 1/एनर्जी का डायमेंशन भी आए और सेम भी रहे, बीटा बीटा प्राइम के इक्वल ही रहे. तो हम कह देते हैं कि ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. आगे जाके हम इसी बीटा की वैल्यू जो है वो डिराइव करेंगे और वहां पे तुम देखोगे इसकी वैल्यू यही निकल कर आएगी. और ये जो के हमारा होता है इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, एंड दिस के इज इक्वल टू R/N वेयर R इज द गैस कांस्टेंट एंड N इज द एवोगैड्रोस नंबर. और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट सबको पता है, इट इज हैविंग द यूनिट्स ऑफ जूल्स पर Calvin. Now from the next class onwards we'll move further and the first topic that we'll study in the next class will be the relation between entropy and thermodynamic probability which is also important from your examination's point of view. So I hope जो आज हमने किया वो सबको clear है, ज़्यादा confused होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, simply थर्मल कॉन्टैक्ट में दो सिस्टम्स हैं, इक्विलिब्रियम में प्रोबेबिलिटी लिखोगे,
इंडिविजुअल दोनों सिस्टम्स की फिर कंपोजिट प्रोबेबिलिटी लिखोगे, फिर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल इक्वेट करोगे, फिर वहां से हमारे पास ये कंडीशन निकल कर आएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेल ओवर डेल ई ऑफ लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल ओवर डेल ई प्राइम ऑफ लॉग डब्ल्यू प्राइम। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन बिटवीन टू सिस्टम्स विच आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट। और फिर हमने देखा ये जो हमारा फंक्शन है डेल ओवर डेल ई ऑफ लॉग डब्ल्यू, इसको हम बीटा पैरामीटर भी कहते हैं, एंड दिस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्राइम फॉर टू सिस्टम्स कैप्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर सेम होते हैं, टी इज इक्वल टू टी प्राइम। यहाँ से हमने देखा बीटा जो है उसके डायमेंशंस 1/ एनर्जी के हैं, मोर ओवर टेम्परेचर इक्वल हैं, तो इसका मतलब वी कैन से दैट इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर मीन्स, सो यहाँ से हम कह सकते हैं इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर मीन्स इक्वालिटी ऑफ बीटा पैरामीटर्स, एंड वी कैन राइट बीटा इज 1/ के टी। फिर के इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर, बीटा इज हैविंग the dimensions of 1/ energy which is 1/ joules here. If I take k as joules per kelvin and t as t in kelvins. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज देखी। नेक्स्ट क्लास में we'll start with the relation between entropy and thermodynamic probability.